For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. बॉलीवुड की बेहद चर्चित अभिनेत्री करिश्मा कपूर बीते कई दिनों से अपने कथित बॉयफ्रेंड संदीप तोशनीवाल के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं। आपको जानकारी दे दें कि जब से संदीप का तलाक हुआ है तभी से लगातार करिश्मा की दूसरी शादी की खबरें वायरल हो रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही करिश्मा संदीप के साथ रचा सकती हैं दूसरी शादी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि करिश्मा की दूसरी शादी के तमाम सवालों पर करिश्मा के पिताजी और अपने जमाने के मशहूर एक्टर रणधीर कपूर ने भी बयान दिया था। रणधीर ने कहा है कि अगर करिश्मा दूसरी शादी करना चाहती है तो उन्हें कोई समस्या नहीं है, वो खुद परिपक्व है और अपने निर्णय ले सकती है। मैं भी आए दिन उनकी तस्वीरें देखता रहता हूँ। यानी कि संदीप के साथ करिश्मा के रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा फ्रैंक हैं पापा रणधीर कपूर, और शायद खुश भी, क्योंकि बेटी का वो घर जो एक समय पर उजड़ गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही थी, परेशान रही थी, वो अगर एक बार फिर से बस जाएगा तो रणधीर को इससे ज्यादा खुशी किसी और बात की नहीं होगी। रणधीर का कहना है कि वो अपनी दोनों बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर पर बेहद गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों का करियर बहुत सफल रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने ये जानकारी भी दी थी कि मेरी दोनों बेटियां सफल और सेटल हो चुकी हैं। मैं अक्सर उन्हें कहता हूं कि पिता के तौर पर वो मुझे गोद ले सकती हैं। वहीं बात करिश्मा कपूर की करें तो करिश्मा कपूर ने सबसे पहले दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी रचाई थी और उनसे उनके दो बच्चे भी हैं। मगर समस्याओं के चलते समायरा और कियान को लेकर करिश्मा अपने पति से दूर हो गई। वहीं करिश्मा के पहले पति संजय कपूर ने दूसरी शादी भी रचा ली है। वेल, अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसके जवाब में कब करिश्मा अपनी शादी के बंधन को लेकर और कब अपनी शादी की खबरों पर पूरी तरह से मोहर लगा देती हैं। सब्सक्राइब अवर चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, ताकि इस तरह की और खबरें हम फटाफट पहुँचा सके आप तक। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.